कुछ चीजें ऐसी मैं कहना चाहूंगा, जब हम लॉन्ग डिस्टेंस में होते हैं तो कुछ चीजें हम निग्लेक्ट कर देते हैं, कुछ चीजें हम समझ नहीं पाते हैं। आपके पास दूरी इतनी होती है कि आप कुछ चीजें दिमाग में धारणा बना लेते हो, दूसरा इंसान कुछ सोच रहा होता है, लेकिन ये कोशिश है, चाहे वो लड़का है या लड़की, उसके पर्सपेक्टिव से है कि अगर वो कुछ कहना चाह रहा है तो ये शायद वो चीजें हैं जो कहना चाहे। टाइटल है एक और रात। यूं ही एक और रात कट जाएगी, तन्हाई फिर छंट जाएगी, दूरियों की भी कोई उम्र है क्या, आज बढ़ रही तो कल फिर घट जाएगी। मेरी याद में कुछ पल रो लेना, मेरी याद में कुछ पल रो लेना, थोड़ी आंख मेरी भी भर आएगी। कुछ नींदें कम सो लेना, रात यहां भी गमगीन हो जाएगी। बस इंतजार जरूर करना, भूल ना जाना, मिलने की घड़ी फिर आएगी। यूं ही एक और रात कट जाएगी, तन्हाई फिर छट जाएगी, दूरियों की भी कोई उम्र है क्या, आज बढ़ रही तो कल फिर घट जाएगी। अब हम जब समंदर में होते हैं, जब हम शिप पे होते हैं, हमारे आसपास तो कुछ नहीं होता। जैसे आपने सुना होगा, 6 महीने चलो समंदर में, कई बार मजाक उड़ाया जाता है कि यार तुम क्या करते होगे। हाँ, तो ऐसा होता है, 6 महीने तो नहीं लेकिन 10-15 दिन, 1 महीना भी हो जाता है, हमें कुछ दिखता नहीं है आसपास। उस समय जब हम कभी हमें मौका मिलता है पानी को देखने का, तो कुछ इस तरह के ख्याल आते हैं। यहां बीच समंदर, खुला आसमान है, दूर दूर तक बस पानी ही पानी, पानी वो भी खारा, ठीक उस आंसू के कतरे जैसा जो तुम्हारी याद में कभी मेरी आंख से छूट जाता है। मैं काट लेता हूं उस अकेलेपन को ये सोचकर, मैं काट लेता हूं उस अकेलेपन को ये सोचकर कि इन आंसुओं में भी चमक आएगी, जिस दिन लौटूंगा तेरी बाहों में और तू भी मुझसे लिपट जाएगी। जहां होगा देखता आसपास, सब देख रहे होंगे और देखते ही रहेंगे, जहां होगा देखता आसपास, पर तुझे मैं और मुझे बस तू नजर आएगी। यूं ही एक और रात कट जाएगी, तन्हाई कल फिर छट जाएगी, दूरियों की भी कोई उम्र है क्या, आज बढ़ रही तो कल फिर घट जाएगी। थैंक यू सो मच।